हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ देसी स्टाइल में। हमें सबसे पहले भिगोने में पानी लेना है और एक बॉईल आने के बाद उसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद अब मैं इसमें वेजिटेबल ऑयल यूज करूंगी। आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच छोटा 1.5 चम्मच ऑयल यूज किया है ताकि मैक्रोनी आपस में चिपके ना। ऑयल डालने से मैक्रोनी जो है खिली खिली बनती है। अब मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैक्रोनी यूज किया है। इसको मीडियम लो फ्लेम पर 5 से 8 मिनट तक पकाएंगे ताकि थोड़ी फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए। इसी तरीके से चलाते हुए पकाना है ताकि ये नीचे लगे ना। ये देखिए 5 से 8 मिनट के बाद मैक्रोनी अच्छे से फूल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए मैक्रोनी पक चुकी है। ऑलमोस्ट रेडी है मैक्रोनी। अब इसे हम बड़ी छन्नी से छान लेंगे। मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ किस तरीके से कि मैक्रोनी कितनी अच्छे से पक चुकी है, खिली खिली बनी है ऑयल डालने की वजह से। चलिए मैक्रोनी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल मैंने डाला है यहाँ पे। इसको गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद अब मैं यहाँ पे जीरा डालूंगी। जैसे जीरा फूटने लगता है अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसको पकाएंगे। इसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे। अब इसमें गोल्डन ब्राउन कलर होने के बाद इसमें लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर इन तीनों को डालने के बाद मिक्स करेंगे। अब इसको 5 सेकेंड तक चलाएंगे ताकि अच्छे से मसाले भुन जाएं। फ्लेम लो ही रखें। अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ। मैंने इसको मिक्सी में मैश किया है। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अब यहां पर मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पर रखा है। यहां मैंने ग्रीन सॉस यूज किया है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो आपकी मर्जी है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर जब तक कि ये पूरा ऑयल छोड़ ना दे। अब मैंने इसमें नमक मिक्स किया है और काली मिर्च। काली मिर्च आपको अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। इसी तरीके से चलाते हुए पकाएं। धीरे धीरे ऑयल बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये देखिए ग्रेवी रेडी हो चुकी है। मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, काफी सूख चुकी है इसलिए। ये देखिए ग्रेवी रेडी है। अब इसमें हम बॉयल मैक्रोनी जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ पर गैस को हमें लो फ्लेम पर रखना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप यहाँ पे रेड चिली सॉस भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए मैक्रोनी रेडी हो चुकी है।
इसमें गर्मा इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट प्लीज कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।